आइए फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे तीन दुश्मनों की। तीन दुश्मन हमारे लाइफ में है। पहला जो दुश्मन है वो है अपने बारे में अपना विश्वास, बिलीफ अबाउट माई सेल्फ। वो यदि गलत है तो वो एक अपना पहला नंबर का दुश्मन हो सकता है। नंबर दो, दूसरों के ऊपर विश्वास, लाइक बिलीव्स अबाउट अदर्स। और नंबर तीन, दुनिया के बारे में मेरा क्या विश्वास है, बिलीफ अबाउट वर्ल्ड। तो पहला जो है फर्स्ट बिलीफ, की बिलीफ अबाउट माई सेल्फ। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको प्रॉब्लम आते हैं उनके लाइफ में, उनको ऐसा लगता है कि मैंने सब चीज़ परफेक्ट करना चाहिए, सब चीज़ एकदम अच्छी करना चाहिए, सब चीज़ आदर्श करना चाहिए, और लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों ने वाह-वाह करनी चाहिए, लोगों ने अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों ने तारीफ करना चाहिए, और वो यदि नहीं हुआ तो मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है। तो यदि बिलीफ रहा है लोगों को बहुत तकलीफ जाती है, क्योंकि उनको हर बात अपने अपने खुद को ही करनी पड़ती है, खुद को करनी पड़ती है, और बार बार वो अप्रूवल के लिए लोग क्या बोलेंगे, लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, इसलिए वो कोशिश करते रहते हैं। नंबर दो, बिलीफ अबाउट अदर्स। लोगों ने मेरे से अच्छे तरह से बर्ताव करना चाहिए, और लोगों ने दयालु वृत्ति से मेरे से बातचीत करना चाहिए, मेरे से व्यवहार करना चाहिए। अब ये कैसा होगा, ये तो होंगे ही नहीं, और वो यदि लोग करते नहीं हैं तो फिर मेरी कोई कीमत नहीं, मैं वर्थलेस हूँ, पर लोगों ने मेरे से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये नंबर दो का जो बिलीफ है लोगों के बारे में, उसमें प्रॉब्लम आता है। और नंबर तीन का जो बिलीफ है, दुश्मन जो है अपना, वो यह है कि दुनिया में, लाइफ में जो परिस्थितियां हैं वो सब मेरे लिए आसान होना चाहिए, मतलब आसानी से सब कुछ मेरे लिए सब तैयार होना चाहिए, ताकि मैं जो भी जहां भी कुछ काम करता हूं मेरा काम आसानी से हो जाएगा। सब परिस्थितियां जो है वो आदर्श होना चाहिए, ताकि मेरे काम करने में कोई कठिनाई आएंगी नहीं। सब परिस्थिति, कंडीशंस इन द वर्ल्ड शुड बी जस्ट एंड काइंड एंड गुड टू मी, एकदम परफेक्ट होना चाहिए कंडीशंस जो है वो, और यदि परफेक्ट रही तो फिर मेरा लाइफ अच्छा है, और यदि नहीं परफेक्ट रही तो मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है। तो ये तीन बिलीफ जो है यदि अपने दिमाग में है तो वो अपना जीवन जो है ना वो हराम कर देते हैं, अपना जीवन अच्छा नहीं आता, मतलब सुख नहीं मिलता है, क्योंकि ये इतने पक्के बिलीफ रहते हैं लोगों के, वहाँ से उनको प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो आपको यदि प्रॉब्लम आते हैं आपके जीवन में, रोज आपके जीवन में यदि आनंद नहीं है, सुख शांति नहीं है, समाधान नहीं है, देखो मैं कौन से बिलीफ से ऑपरेट कर रहा हूँ। यदि आप कोई बिलीफ से ऑपरेट कर रहे हैं तो आप वो बिलीफ को सोच सकते हैं, तोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या मेरे में ये बिलीफ है, क्या मैं उसको ऑल्टर कर सकता हूँ, क्या मैं किसके पास में जाके सलाह मशवरा कर सकता हूँ और बिलीफ को ऑल्टर करके मेरे जीवन में सुख शांति, चैन, समाधान, आनंद ला सकता हूँ, वो आपको देखना जरूरी होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को क्लिक करो। थैंक यू वेरी मच।